गुजरात में चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी गुजरात के रण में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा नकारे गए अखिलेश यादव गुजरात में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा कर माहौल बनाएंगे। अखिलेश की पहली चुनावी सभा जामनगर में होगी। गुजरात में अखिलेश अपने दोस्त राहुल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। आपको ध्यान होगा कि इस साल की शुरुआत में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, जहां राहुल गांधी और अखिलेश साथ साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश का गुजरात दौरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों की माने तो अखिलेश गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की सांप्रदायिक और विघटनकारी राजनीति के बारे में लोगों को बताएंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गांधीनगर।